हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज़ मनीषा और आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक करवाने वाली हूँ। एज यू ऑल नो कि जैसे जो हमारी बोन्स होती हैं वो सबको पता है कि 206 होती हैं, ठीक है। वो क्या है, किस लिए हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को गुड पॉस्चर प्रोवाइड करती हैं, हमारे हैंड्स को और मतलब बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट को एक अच्छा सा पॉस्चर प्रोवाइड करती हैं। अगर सपोज आपकी कोई भी बोन्स हैं, ठीक है, कोई भी हड्डी है, अगर वो टूट जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है या फिर वो पोर्शन की वो जो पहले शेप रहती है एग्जैक्टली या पॉस्चर रहता है वो बाद में नहीं रह पाता, ठीक है। सो बोन्स का सबको पता होता है कि हाँ ये चीज़ है और ये इंपॉर्टेंस है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी रखते हैं। लेकिन क्या आप सबको पता है कि जैसे बोन्स हमारे लिए हेल्पफुल है, इसी तरीके से एक और बॉडी में हेल्पफुल चीज़ होती है, वो होती है मसल्स। जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, प्लस ब्लड सर्कुलेशन करना, हार्ट बीट, जो हमारा दिल धड़कता है, वो सारे प्रोसेसेस, ठीक है। उसके अलावा जो सिंपल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे किसी चीज़ को थ्रो करना, फेंकना या फिर सिंपल वॉकिंग, ठीक है, ये सब में भी क्या होता है, मसल्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इन मसल्स के क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट वेयर और स्ट्रेंज फैक्ट्स हैं, तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं सब कुछ यही करवाने वाली हूँ। सो प्लीज़, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करिएगा। नाउ मसल्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमें बोन्स का नंबर पता होता है ना, 206 होती हैं बोन्स अडल्ट्स में, ऐसे ही जो मसल्स हैं उनका जो नंबर होता है वो मोर देन 600 होते हैं, ठीक है। मोर देन 600 का मतलब ये जो नंबर है ये कम ज़्यादा हो सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में यही पता चला अभी तक कि जो मसल्स हैं, नंबर ऑफ मसल्स हैं, वो मोर देन 600 हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मोर देन 600 मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इसके अलावा जो मसल्स हैं वो बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, एक होता है स्केलेटल, एक होता है कार्डियक। देखिए यहाँ पे मैंने आपको टाइप दे रखा है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। ये तीनों टाइप के मसल्स जो है ना, ये 600 जो मैंने रेशो बोला है इसके अंदर ये थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स आपकी डिवाइड होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, नाम से पता चलता है कार्डियक मसल, ये कौन सी होती है, जो हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं या स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स बेसिकली जैसे जो इनर बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट बीट हो रही है या फिर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उस टाइम पे जो प्रेजेंट होती हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स हैं वो जैसे बोन्स हमारी बॉडी को पॉस्चर प्रोवाइड करते हैं, सेम इसी तरीके से इनका भी कुछ रोल होता है उसमें, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि जो बिजिएस्ट मसल है, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा बिजी मसल कौन सी होती है, जो जिसके पास बहुत सारा काम करने को होता है, प्लस जो सबसे हार्डेस्ट मसल होती है, मतलब कि जिसके फंक्शनिंग में ज्यादा प्रेशराइज होती है वो, या उस पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा होता है, तो वो कौन सी मसल होती है। दो टाइप की मसल्स हैं, सबसे पहले बिजिएस्ट जो बहुत ज्यादा बिजी मसल है वो हमारी आई की है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है जो आईज है ना वो बहुत सारा काम करती है। हम अभी जैसे एक मोमेंट पे मैं अभी कैमरे में देख रही हूँ, नेक्स्ट मोमेंट मैं स्क्रीन बोर्ड पे देख रही हूँ, या फिर यहाँ वहाँ पे मेरी नजरें जा रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी आईज है ना उनको ना बहुत ही सडनली परफॉर्म करना पड़ता है, बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ता है कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं ना उसकी इमेज आपकी आईज में बननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मसल्स है ना ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है। अभी आपका कोई फिक्स विजन नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूशन में 10 मिनट्स कैमरे में ही देखेंगे या फिर 10 मिनट्स आप बुक में ही घुसे रहेंगे। आप कोई भी काम ना कभी भी कर सकते हैं, जैसे सपोज आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे आपका डोर नॉक होता है या फिर कुछ किसी तरीके का साउंड घर में आता है या फिर बाहर से कुछ आवाज़ आती है, तो आपका जो माइंड है ना थोड़ा सा उस साइड जाता है, तो आप जब जैसे फेस टर्न करेंगे तो वो विजन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए जो हमारी सबसे बिजी मसल होती है वो हमारी आई की मसल होती है। उसके अलावा जो हार्डेस्ट मसल है, हार्डेस्ट मसल का मतलब हो गया कि जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो या बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वो हमारे हार्ट बीट की होती है, ठीक है। जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और आपको पता है एक मिनट में कम से कम 72 टाइम्स जो हार्ट है वो बीट होती है, तो उस टाइम पे जो हार्डेस्ट मसल है वो हमारी कौन सी हो गई है, हार्ट की, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये कि जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी का
जो टोटल वेट होता है उसका 40% वेट जो है वो हमारी मसल्स की वजह से होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, इजी लग रहा होगा थोड़ा हद तक। अगर कोई भी चीज का आपको डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ एक्स्ट्रा में समझ में आया, तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट करिएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि हम जैसे स्माइल करते हैं या गुस्सा करते हैं, एंगर फेस पे शो होता है, या थोड़ा सा स्ट्रेस शो होता है, या फिर एक बहुत ही गंदी सी शक्ल हम लोग बना लेते हैं, तो उस टाइम पे कितनी मसल्स का यूज होता है। सो सबसे पहली चीज, जब हम स्माइल करते हैं तो उस टाइम पे 17 मसल्स हैं जो यूज में होती हैं, और जो ग्रिम फेस होता है, चाहे वो आपका सैडनेस हो, चाहे सौरव हो, चाहे एंगर हो, चाहे किसी भी टाइप का और कोई आप फेस बनाते हैं, तो उसमें आपकी 43 मसल्स यूज होती हैं। सो इससे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जब हम स्माइल करते हैं तो हमें कम मसल्स की यूज होती है, तो ज्यादा से ज्यादा स्माइल करनी चाहिए। ठीक है, 17 मसल्स यूज होती हैं, जब स्माइल करते हैं तो कम मसल्स यूज होती है, कम मसल एनर्जी लगती है। जब हम गुस्सा करते हैं तो उस टाइम पे हमारी मसल्स एनर्जी जो होती है वो थोड़ी ज्यादा लगती है, मतलब कि अप्रॉक्स 43 मसल्स। तो ये कुछ मसल्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इफ यू वांट आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि लिखने का आलस होगा तो आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देखनी है, तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा, बट एक दिन पता चलेगा। तो प्लीज वीडियोस को लाइक करा कीजिए, और अगर अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।